आज के वीडियो को देखकर गैस कर लिया होगा कि आज का बॉटल डेकोरेशन इंडस्ट्री से इंस्पायर है। आज के इस बॉटल डेकोरेशन में हम वेस्ट चीजों का ही यूज करने वाली हैं। हाय, दिस इज काशी, वेलकम बैक टू माय चैनल काशी होम डेकोर आइडिया। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के डेकोरेशन के लिए हमने सरफेस से फ्लैट बॉटल का यूज किया है। यहाँ लिया है ब्लैक फॉर्म शीट, आप किसी भी कलर के शीट का यूज कर सकते हैं। आप इस शीट को कटर की हेल्प से इस तरह से कट कर सकते हैं। यहाँ हमने शीट को कुछ छोटे और कुछ बड़े पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ किया है हमने घर में निकली कुछ वेस्ट चीज़ों का यूज़, जिसे हम 100% डस्टबिन में फेंक देते हैं। यहाँ है टूटे हुए स्लाइडर की फिटिंग, ईयरफोन और चार्जिंग वायर्स, ग्लूगन की स्टिक्स, पर्स का लॉक, कुछ आयरन एंड कॉपर वायर, पुरानी बेल्ट का बकल, खराब हुए ईयरफोन और ये खराब हुए फैन रेगुलेटर के निकाले हुए पार्ट्स हैं। अब इनमें से हम कुछ चीजों को बॉटल डेकोरेशन में यूज करेंगे। और यहाँ लिया है हमने बर्लप क्लॉथ। अब हॉट ग्लू गन की हेल्प से वीडियो में दिखाई गई तरीके से बॉटल पर फॉर्म की शीट के पीसेस को स्टिक करते जाना है। और इसी तरह बॉटल के दूसरे साइड को भी कवर कर लेना है। अब इसके ऊपर लगी हॉट ग्लू गन की वायर्स को अच्छे से साफ कर लेना है। अब यहाँ किया है ब्लैक जेसो से पेंट। यहाँ हमने इसे दो कोट में कंप्लीट किया है। अब बर्लप क्लॉथ को वीडियो में दिखाई गई तरीके से स्टिक करते जाना है। अब इसी क्लॉथ से बॉटल की नेक को भी कवर कर देना है। यहाँ हमने ड्रॉस की ब्रोकन फिटिंग का यूज किया है और ये है रेगुलेटर का अपर पार्ट और ये पर्स का लॉक स्टिक किया है। और ये है ओल्ड बेल्ट का बटन, यहाँ से वर्टिकली स्टिक किया है। और यहाँ यूज़ किया है पेन से निकाली हुई स्प्रिंग का। अब स्टिक करेंगे ईयरफोन।
और हमने पाइप की शेप को दिखाने के लिए हॉट ग्लू गन स्टिक का यूज़ किया है। और हमने इसे स्टेबल करने के लिए फॉर्म के छोटे छोटे स्ट्रिप से इसे स्टिक किया है ताकि ये स्ट्रेट रहे और इंडस्ट्री पाइप फिटिंग का लुक भी आए। यहाँ इसे बेंड करने के लिए हीट गन का यूज़ किया है। आप इसकी जगह हेयर ड्रायर का यूज़ कर सकते हैं। मैं एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगी, मेरा आज का वीडियो मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे सजेस्ट किया है। उन्होंने अपने घर की कुछ वेस्ट चीज़ों की पिक मुझे सेंड की थी और मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं इससे कुछ क्रिएट करके वीडियो बनाऊं। तो फिर मुझे उम्मीद है कविता आप ये वीडियो देख रही होंगी, तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि बॉटल डेकोरेशन को लेकर आप भी मुझे कोई नया सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे क्रिएट कर सकूँ। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हीट गन यूज़ करने से स्टिक बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी उंगलियों को बचाकर काम करें। अब हमने इसे पीछे ले जाकर इस तरह से स्टिक कर दिया है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि मैं काशी होम डिकोर आइडिया के नाम से इंस्टाग्राम पर भी हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। वहाँ आपको कुछ नई रील्स और शॉर्ट वीडियो देखने को मिलेंगे। अब यहाँ हमने क्ले मोल्ड से बनी चेन का यूज़ किया है, आप किसी भी मेटेलिक चेन का यूज़ कर सकते हैं। और अब इसी तरह से इसे पूरी तरह से कवर कर देना है। यहाँ हमने क्ले से बनी डिज़ाइंस को स्टिक किया है, आप इसकी जगह बटन्स या मेटेलिक गियर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ नट का डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसी तरह पूरे जॉइंट्स पर इसे लगाया है। बॉटल पर स्टिकिंग का काम पूरा कर लिया है। अब हम इसे करेंगे ब्लैक जैसो से पेंट, और उससे पहले हम इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। यहाँ हमने मिक्स मीडिया का यूज़ किया है। यहाँ अलग अलग तरह की सरफेस को पेंट करना है, कुछ प्लास्टिक है, कुछ मेटेलिक है, कुछ रबड़ की फॉर्म में है, तो इसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा के पेंट किया है। दो कोट में कंप्लीट किया है, एक कोट पूरी तरह से सूखने के बाद ही दूसरा कोट करना है। अब जैसो पूरी तरह से सूखने के बाद इस पर किया है ब्लैक एक्रेलिक कलर का पेंट। और अब यहाँ लिया है मेटेलिक ब्रोंज कलर। अब इसे फोम की हेल्प से ड्राई ब्रश मेथड से अप्लाई करना है।
बॉटल की शाइनिंग और लॉन्ग लास्टिंग के लिए हमने किया है स्प्रे वार्निश का यूज। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? आई होप आपको ये पसंद आया होगा, क्योंकि मेरा ये वीडियो और बॉटल डेकोरेशन से एकदम अलग हटके है। अब बॉटल पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब ये है हमारी बॉटल का फाइनल लुक। अगर हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।